आ जनता ही निकाल देते हैं पानी में, वही डुबा देते हैं। तो जनता देख लीजिए कि मेरे साथ है, तो बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। विधायक रह चुके हैं, चलिए अभी नहीं ना है, अब नहीं होंगे विधायक को। यहाँ हॉस्पिटल चाहिए मोकामा में, जो कि यहाँ पर आदमी के थोड़ा सा सर भी फूटता है तो बेगूसराय और मुजफ्फरपुर और पटना लोग जाता है, जो कि सब आदमी जा नहीं सकता है। लेकिन जब हम इधर से घूम रहे हैं तो जनता को पहले आया कि पीने के लिए पानी नहीं है, ना नाली है, नाली वाला पानी पीने के लिए मजबूर है जनता। तो पहला तो हमको तीन यही है, पानी, रोड और हॉस्पिटल। हाँ। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अच्छा, आज यहाँ कितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ गई। हाँ। 17 साल 20 साल से ठीक है आप यहाँ पे रहे, लेकिन क्या किया उन्होंने, मैं ये जानना चाहती हूँ अपने मोकामा क्षेत्र में दिया क्या। तो देखिए, जो लड़ाई है वो सड़कों पे लड़ी जा रही है और सोनम देवी जी यहाँ पर मौजूद है और देख लीजिए एकदम जो मोकामा है वो चुनावी रण बन के तैयार है। दो महिलाओं की लड़ाई और दोनों के पति यहाँ के फेमस चेहरा। मैडम, किस मुद्दे पे अब लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जिनसे मुकाबला है वो उनके पति 17 साल से विधायक रह चुके हैं। विधायक रह चुके हैं, चलिए अभी नहीं ना है, अब नहीं होंगे विधायक को। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ आ गया है मोकामा में सर पर। हाँ। वो हमको दिए, हम जनता को दे दिए हैं। हाँ। आ जनता ही निकाल देते हैं पानी में, वही डुबा देते हैं। तो जनता देख लीजिए कि मेरे साथ है, तो बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ नीतीश कुमार जहां आपके पति थे, दूसरे तरफ लालू जी, ऊपर से आनंद सिंह, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको कैसे तोड़िएगा। कैसे तोड़ेंगे ये नहीं जानते, आदरणीय प्रधानमंत्री क्या है, कहाँ का है, नहीं है, वो नहीं जानते हैं। और वो जो है उनके कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, जो भी करेगी जनता निर्णय ले रही है, जनता लेगी। क्या मुद्दे होंगे आपके पास, जनता के पास आप जा रही हैं तो बताएंगे ना कि भाई हमको वोट कीजिए इसलिए कीजिए। मैं तो था पहले कि यहाँ हॉस्पिटल चाहिए मोकामा में। हाँ। जो कि यहाँ पर आदमी के थोड़ा सा सर भी फूटता है तो बेगूसराय और मुजफ्फरपुर और पटना लोग जाता है, जो कि सब आदमी जा नहीं सकता है। लेकिन जब हम इधर से घूम रहे हैं तो जनता को पहले आया कि पीने के लिए पानी नहीं है, ना नाली है, नाली वाला पानी पीने के लिए मजबूर है जनता। तो पहला तो हमको तीन यही है, पानी, रोड और हॉस्पिटल। मैडम, सवाल यहाँ पे ये आ जाता है ना कि आज से 2 महीने पहले यहाँ बीजेपी की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, तो जो इतने सालों से नहीं हुआ नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार थी, वो अब कैसे हो जाएगा, सिर्फ आपके विधायक बनने से ऐसे इतना बदलाव कैसे हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं, जनता इंतजार कर रही है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे समर्थन में बहुत ज्यादा भीड़ है और इसमें क्या कहेंगे, कैसा दिख रहे हैं, अनुभव क्या हो रहा है। देखिए, अभी आपने जो सवाल किया है कि क्या मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा विकास का मुद्दा है, ठीक है ना, विकास का मुद्दा है। आज जो भी योजनाएं हमारे बिहार में पारित की जाती है, बिहार सरकार पारित करती है, वो योजना किसका है, केंद्र सरकार की योजना है। आज रोड हो, बिजली हो, कुछ भी है, जो हमें मिला है वो केंद्र सरकार की योजनाओं को ये किया गया है। तो आज हम केंद्र सरकार जो काम की है हमारे लिए, तो हम क्यों नहीं उसको आगे और बढ़ाने का काम करें। आप विकास हमको चाहिए ना, चलिए विकास चाहिए। यहाँ पे आप घूम रही हैं, क्या आपको अब क्या लग रहा है कि जो बेसिक जरूरतें हैं वो क्या है। देखिए, बेसिक जरूरतें कहीं की भी देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य होता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। एक बोलते हैं रोड और स्वास्थ्य जो होती है, रोजगार, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अच्छा, आज यहाँ कितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ गई। हाँ। 17 साल 20 साल से ठीक है आप यहाँ पे रहे, लेकिन क्या किया उन्होंने, मैं ये जानना चाहती हूँ अपने मोकामा क्षेत्र में दिया क्या। चलिए, मोकामा क्षेत्र को मिला क्या, इस सवाल के साथ पहुंची हुई है। हम बाकी महिलाओं से भी बात करेंगे, मगर ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। आप जुड़े रहे हमारे साथ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।